नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं रोहिन चैनल। मैं रोहिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रैक्टर से रोहिन के फ्रेश एपिसोड में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाई फोन बिकम स्लो बाय टाइम। ऐसा क्यों होता है कि फोन समय के साथ साथ स्लो होते जाते हैं, तो पूरा देखिए मेरी वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ, तो बेशक आपको पसंद आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली जो फोन में दिक्कत आती है वो होती है आपको इंटरनल मेमोरी की, जिस वजह से आपका हो जाता है फ़ोन स्लो। क्योंकि हर किसी के अंदर एक आदत होती है कि आपको आपने ऐप इंस्टॉल करे लेकिन उसके बाद आपको नहीं पसंद आया तो आपने डिलीट कर दिया। बट हमारे को तो लगता है कि हमने चलो ऐप डिलीट कर दिया, उस दिन फ़ोन भी दिखा देता कि हाँ भाई हो गया, लेकिन हम उतने गौर नहीं करते। कुछ KB से वो बढ़ता जाता है फ़ोन। अब एक साल में ऐसा तो है नहीं कि बंदे ने 365 ऐप डाउनलोड करे, नहीं ना कि अगर आपने एक दिन का एक, हर बंदा कम से कम 400-500 ऐप डाउनलोड करता है। लेकिन जब हम फ़ोन खरीदते हैं हम सोचते हैं भाई फ़ोन तो अभी भी पूरा खाली पड़ा है, लेकिन हमारे पास अच्छी खासी स्पेस है। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारे साथ होता क्या है कि फ़ोन भरता जाता है और स्पेस हो जाती है कम। लेकिन बाद में टाइम आता है हम पूरा फ़ोन खाली कर देते हैं, फिर भी हम कहते हैं जब स्टार्टिंग में इतनी स्पेस थी तो अब क्यों नहीं है। एक्चुअली जो दिक्कत आती है वो होती है फ़ोन में कैशे की। अब हर फ़ोन में एक्चुअली होता है कि जैसे स्टोरेज में जाएंगे तो हम क्लियर कैशे का एक लिखा आता है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा यस करना है उसे आपने, तो आप जब यस कर देंगे तो वो क्लियर आपका कैशे कर देगा। वो एक्चुअली वो अनवांटेड जंक होता है, एक्चुअली फ़ोन का जंक है एक तरह से, कूड़ा होता है ऐप्स का, तो जिस वजह से वो दिक्कत करता है आपको। बाकी जो रही दिक्कत वो होती है अपडेट्स की, अनवांटेड अपडेट्स। एक्चुअली हम जैसे ज़्यादातर गूगल लाता है अपडेट्स। अब एक आपने ऐप डाउनलोड करा 40 MB का, आपने 40 MB का ऐप यूज़ करा, उसके बाद 15 दिन बाद आ गया अपडेट, आपने उसको अपडेट कर दिया। 40 MB का अपडेट कितने का MB का आता है, 40 MB का आ गया या 45 MB का, बड़ा ही आता है एक्चुअली ज़्यादातर अपडेट्स। अब आपने अपडेट ऐड कर दिया, वो ऐप कितने का हो गया, 80 MB का हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐप जो होता है 250 MB तक पहुँच जाता है, उसके बाद आपके फ़ोन जो होता है बढ़ जाता है। हमारे को लेकिन पता नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि फ़ोन इतना दिखा, अगर हम स्टोरेज में जाते हैं वो इतना बताता भी नहीं कि भाई ये ऐप कर रहा है। जो मेन दिक्कत होती है वो जंक्स की होती है। और जो दूसरे अपडेट्स होते हैं जैसे कि फ़ोन के अपडेट होते हैं कि मार्शमेलो का अपडेट, नोगट का अपडेट या लॉलीपॉप का अपडेट आ जाता है, तो इनमें भी दिक्कत आती है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप फ़ोन लेते हैं उसके बाद हम लोगों को लगता है भाई अपडेट आ गया, लेकिन जो कभी कभी होता है अनवांटेड अपडेट्स, जब आपके पास कभी फ़ोन में अपडेट आए तो उससे तुरंत नहीं करें, पहले आप इंटरनेट में जाएँ, व्यूअर्स के चेक करें कि उनको तसल्ली है इससे या दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो आप उससे नहीं करें, क्योंकि कंपनी इसे रिप्लेस करके दोबारा एक नया अपडेट डालेगी। और उसके बाद अगर आपका नहीं आता है तो आप बाद में सर्विस सेंटर जाके करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे लोगों को। वरना कभी अगर आपके रिव्यूज के अच्छे हैं तो आप तुरंत अपडेट करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ माइक्रोमैक्स यूनिकॉर्न का। अब एक्चुअली उसमें क्या हुआ था, मेरे पास वो फ़ोन है, अब उसमें एक वो मैं पास अपडेट आ गया मार्शमेलो का, मैंने अपडेट कर दिया लॉलीपॉप से मार्शमेलो। बाद में मैंने एक्चुअली व्यूअर्स का चेक नहीं करा तो क्या दिक्कत आई उसमें, आगे एरोप्लेन डालने के बाद उसमें वाईफाई कनेक्ट होता था, वरना वैसे वाईफाई होता नहीं था कि एरोप्लेन में डालो फिर हटाओ फिर वाईफाई कनेक्ट करो, ये नेट चलाने से पहले भी ऐसे करना पड़ता था। लेकिन बाद में जब दोबारा कंपनी ने मार्शमेलो का अपडेट डाला या मेरे पास वोल्ट का अपडेट आया, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए बस इतना ही है वैसे तो इसके बारे में, बस इतनी वजह से होता है। या फिर एक और रीज़न है कि जैसे अगर आप अपना चाहें तो अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, पहले अपने सारे फ़ोन की इमेजेस, गेम्स वगैरह डाटा का बैकअप बना लें, उसके बाद SD कार्ड में डाल सकते हैं, अब तो हर कोई डालता है। तो उसमें डालने के बाद आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें, जिससे भी क्या होगा वो जितना भी जंक होगा ना वो सारा वो निकाल दे के फेंक देगा सब कुछ, मतलब जितनी भी आपके पास नया फ़ोन आपके हाथ में आया था बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बेशक आपको वीडियो पसंद आएगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर, और कमेंट करना ना भूलें कि इसके बारे में आपके क्या सुझाव है, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है या फिर कोई सोल्यूशन है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।